टू अनदर व्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब चलें ब्रेकफास्ट करते हैं, खाएंगे ब्रेड। सो ब्रेड टोस्टर और साथ में चाय, एक कप चाय। Heard it, you my heart's more than a toy. Please go easy. ब्रेड को भी टोस्टर में लगा दिया है, चाय भी मेरी रेडी है। अब अंडे बॉइल्ड हैं ऑलरेडी, तो उनको छीलकर प्लेट में लगाते हैं और फिर मैं फाइनल प्लेट करके आपको अपना ब्रेकफास्ट भी खाता हूँ। ये आदत है कि मैं ब्रेड में जो है ना वो जैम या नहीं लगा के खाता, क्या कहते हैं इसको, मक्खन वगैरह, तो सालन लगा के खाता हूँ क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ। शुरू शुरू में मैंने कुछ दिन लगा के खाया लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, तो उसके बाद मैं ब्रेड में सालन लगा के खाने लगता। Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, कुछ इस तरह चिकन को मैश कर कर लगा कर टोस्ट पे और एक सैंडविच सा बना के खाता हूँ, ये बहुत अच्छा बनता है। और साथ में ये एक बॉइल्ड एग भी खाएं। अब मेरा नाश्ता तैयार है, अब मैं नाश्ता कर लूँ और उसके बाद नहा धो के फिर मैं आपसे बात करके आप लोगों को बताऊँगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि मैंने आज कहाँ जाना है, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको इस ब्लॉग में बता दूंगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे खुद का ब्लॉग खुद ही बैठ के देख रहा हूँ क्योंकि अभी 5 मिनट हैं, 9 बजे मैंने नहाना है ना, तो सोचा कि चलो पहले अपना 1 मिनट ब्लॉग ही देख लूँ। ये हमारा क्यूट सॉरियो जो है वो खेल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में लिली थी ना, और यहाँ पर भी हमारे पास एक कैट है और इसका नाम है ओरियो, और ये भी बहुत क्यूट है। ओरियो वेरी नॉटी। चल तू बैठ, मैं जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं निकला हूँ, तकरीबन 10 बज गए, थोड़ा सा लेट हो गया था, जल्दी जल्दी मैं निकला हूँ तो मैं व्लॉग बनाना भूल गया हूँ। अभी मुझे रास्ते में याद आया कि मैंने जो मेरे व्यूवर्स आज व्लॉग देखेंगे उनको तो बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन मेरे करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। मैं परसों भी गया था, उसका व्लॉग मैंने अपलोड किया है, तो पाकिस्तान में इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया था जिसकी वजह से एम्बेसी के सामने ना प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, तो एम्बेसी बंद हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि कल का दिन छोड़कर उसके आगे किसी भी वर्किंग डे में जो है ना आप आ जाइएगा, तो मैं आज जा रहा हूँ। आज मैं अकेला ही हूँ और साथ मेरे कोई नहीं है, पहली बार मैं अकेला ट्रेन पर सफ़र करूँगा। तो आपको पता ही होगा कि लंदन अंडरग्राउंड का जो सिस्टम है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, तो बंदा जो नया नया होता है वो थोड़ा घबरा जाता है। मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ, पर होप फॉर द बेस्ट कि मैं अपनी जो है वो लोकेशन पर पहुँच जाऊँ। तो चलें, वेदर आज बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है और गर्मी भी महसूस हो रही है। 2 बजे बारिश बताई हुई है ना, होप सो बारिश आ जाए क्योंकि मैं इतनी मोटी जैकेट पहन के आया हूँ, अगर मैंने ये जैकेट मुझे हाथ में पकड़नी पड़ गई तो फिर मुझे ट्रेन में जो है ना वो रफड़ा ही पड़ जाना है, इसलिए मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 बजे बारिश आ जाए तो आके जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाए और मैं ये जैकेट पहन ही रखूँ। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go. अभी ट्रेन स्टेशन जाना है, वहाँ से 2 ट्रेनें चेंज करनी है। मुझे रास्ता तो नहीं पता लेकिन मैं जो है वो गूगल मैप लगाऊंगा और उस मैप को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह अपनी लोकेशन पर पहुंचूंगा। होप फॉर द बेस्ट कि आज वहां पे कोई प्रोटेस्ट ना हो, मेरा काम हो जाए। काम 5 मिनट का ही है लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा है ना, मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है, सिटी सेंटर की तरफ जाना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलें देखते हैं। Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. ये सामने ट्रेन स्टेशन पहुंच गया हूँ मैं, यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा डिस्ट्रिक्ट लाइन और फिर चलते हैं आगे।
एक ट्रेन निकल गया, दूसरी ट्रेन अभी थोड़े टाइम में आ जाएगी, तो फिर उस पर बैठ के चलते हैं। ये ट्रेन स्टेशन आपके सामने। Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, it makes it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, a hope is losing its hold. ट्रेन से उतर चुके हैं, अभी ट्रेन चेंज करनी है, यहाँ से एक ही स्टेशन लेना है और उसके बाद जो है फिर 5 मिनट के वॉक है तकरीबन। स्टेशन चलो इसी बहाने आराम से ब्लॉग तो कर पाऊंगा ना, बगैर चके ये जो मेरा चाका है ना ये मुझे लेके बैठ गया, बस ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन आने वाली है। इस ट्रेन से एक स्टॉप है, उसके अगले स्टॉप से उतर के फिर थोड़ी सी वॉक करके हम जाएंगे। डब्बे फुल है, कोई सीट वाला बोलते हैं।
कार टैप करके बाहर निकलते हैं। वे आउट, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस पब्लिक में व्लॉग करने का। ये रास्ता था, प्रिकली लाइन वे आउट तो लिखा हुआ है। चलें, आई होप सो। एग्जिट वन। हाँ, यस 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 यस, पहली बार मैंने अकेले ट्रैवल किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच। तो गाइस अभी मेरी पैदल जर्नी जो है वो मैंने स्टार्ट कर ली है। गूगल मैप लगाया हुआ है, पहले इस फ़ोन पे मैप लगाया हुआ था, अभी इस फ़ोन की मेरी मेमोरी जो है वो फुल हो गई है। मैंने ना दूसरे मोबाइल पे मैप लगा कर इस मोबाइल से ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी है। इस मोबाइल का जो मेरा माइक है वो थोड़ा ख़राब है, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता, और यहाँ सिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा शोर है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना वो जब मैं एडिटिंग करूँ तो उसमें मैं पूरा कर लूँ, अगर ना हो सका तो फिर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि बोलूँगा कम और आपको रास्ता दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है यहाँ पे, बैलेंसियागा, गुची, जितने ब्रांड के नाम आपने पंजाबी गानों में सुने होंगे ना वो सारे ब्रांड यहाँ एक ही रोड पर हैं। वो रहा जी पंजाबी सिंगरों का सबसे फेवरेट ब्रांड गुची। ये बस मैं करीब एम्बेसी के पहुँच गया हूँ, एक टर्न और लेना है और एम्बेसी आ जाएगी। चल मैं अब अपना सारा काम कंप्लीट कर फिर ही व्लॉग स्टार्ट करूँगा। यार एम्बेसी वालों ने जलील करके रख दिया, ये अभी कह रहे हैं कि इनका सर्वर अभी भी काम नहीं कर रहा, तो अपना नंबर लिखवा दें, जब सर्वर ठीक होगा तो हम आपको कॉल करेंगे। अब ये तो कोई बहाना ना हुआ, ये तो आवाम को जलील करने वाली बात है। इतने दूर से ट्रैवल कर आके और आगे से वो अंदर तक ना जाने दें और बोले कि सर्वर डाउन है, तो फिर अब बंदा और क्या करे। अब दोबारा से लोकेशन लगा कर वापस जाना पड़ेगा, ऑल द वे डेढ़ घंटे का सफ़र कर। नंबर तो मैंने दे दिया, वो कह रहे थे कि अभी आपको कॉल करेंगे तो फिर आप आइएगा। चलें अभी देखते हैं, वापस करते हैं। Did it ever occur to you, my heart's more than a toy, please go easy on me babe, send message after message, forward my call, next day you... वो सामने रोलेक्स की शॉप है, वो ये आप सही नज़र आ रही है, ये अंडरग्राउंड स्टेशन। यहाँ से अब चल के दोबारा वो लंबा रास्ता, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मूड बहुत ख़राब हो गया इन एम्बेसी वालों की वजह से ना, काम भी पेंडिंग पर है सिर्फ इन्हीं की वजह से। जब तक मेरा ट्रैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता ना, तो इसी वजह से मेरा काम भी इनकी वजह से पेंडिंग पर है। बहुत जलील करके रखा हुआ है इन्होंने। अब दोबारा से रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, और जब मेरा मूड खराब होता है तो मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। अब यहाँ पे बैठ के ट्रेन का वेट करो, फिर दोबारा उठो, फिर दोबारा ट्रेन बदली करो, बंदा ना तंग आ जाता है। ले ट्रेन आ गई है, अब इसमें चलते हैं। चलो 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 ट्रेन चेंज करो। बैठ
आगे का पता नहीं है, बस एक ही लास्ट ट्रेन है वो सीधा हमारी जो स्टेशन है क्लास को वहाँ पर जा कर रखेगी। तो बस चलते जाते और साइन बोर्ड देख के, अगर साइन बोर्ड लगे हुए हैं जैसे वो सामने लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल लाइन, तो बस इसी तरह फॉलो करते जाते हैं और इंशाल्लाह पहुँच ही जाएंगे। यस, पहुंच तो आए हैं कहीं। जब मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करता हूं तो आवाज़ साफ़ नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है। अब मुझे इसी तरह ही बनाने पड़ेगी, खुद नहीं आऊँगा मैं अब। ये रही डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल लाइन किंगस्टन फ्रंट पे, यहाँ से चलते 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 जाना है हमने प्लस टू, सो इसका मतलब है यहाँ से बैठेंगे ट्रेन पे। हाँ बस याद आ गया मुझे ये सब, ये यहाँ से ट्रेन आएगी और बैठ कर चलेंगे घर। बहुत थका देते हैं बैसी वाले और काम भी नहीं हुआ, इतना दूर ट्रैवल करके गया, अभी ट्रेन आ गई है, ट्रेन पे बैठे और चले वापस। प्लास्टो स्टेशन पहुँच गया हूँ यहाँ पे उतर के, अब चलते हैं ताया अबू के पास, उन्होंने कॉल की थी। चलें जी प्लास्टो स्टेशन पर जो है वो मैं उतरा हूँ और अब जाते हैं ताया अबू के पास, उनको सारी डिटेल बताते हैं कि आज एक बार फिर से हमें मुझे जलालत हो गई। और अब वैसे भी लंच का टाइम भी हो गया, लंच वगैरह लेके घर चलेंगे, और कुछ तो दिखाने के लिए नहीं है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ आज के ब्लॉग में, इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज फिर से बारिश आ गई है, ये देखें 2 बजे बताई हुई थी, नहीं अभी तकरीबन 12 हुए हैं, तो बारिश की एंट्री भी है। शुक्र है गर्मी तो नहीं होगी ना।